रामपुर में सनातन धर्म गौशाला में गोपाष्टी मनाई गई। वहीं जनपद रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख सहित जिले के आला अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें गोवंश की पूजा अर्चना कर गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया गया। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने आज के दिन मुलायम सिंह को भी जन्मदिन की बधाई दी। वहीं जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने बताया कि समाज को इसकी जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। जो पशु बाहर घूम रहे हैं गोवंश पशुओं को अगर लोग घर में रखेंगे तो इसके लिए शासन के भी काफ़ी लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि हर गौशाला में टीकाकरण का कार्य पूरे प्रदेश में होना ऐतिहासिक है। गाय का हमें सम्मान और सुरक्षा करना है। मैं मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर प्रदेश भर की सभी गौशालाओं, गो आश्रय स्थलों, कान्हा उपवन आदि में गोपाष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हैं। वहीं आइए अब सुनते हैं राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख क्या कह रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और यही वही व्यक्ति फैसला ये कर सकता है जिसके अंदर में और उसमें गौओं के प्रति सम्मान, गौ माता जैसे कहते हैं उनके प्रति सम्मान, ये ऐसा ही कोई महान व्यक्ति ये काम कर सकता है जो कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में गौपाष्टमी का जो त्यौहार, तो इसको त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है और हर गौशाला, चाहे छोटी गौशाला हो बड़ी गौशाला हो, वहाँ पे आके उनकी आरती करना, उनका सम्मान करना, उसको गुड़ खिलाना। और एक ये कि आज के दिन कोई टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पे आज के दिन से स्टार्ट किया जा रहा है, तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ऐसी एक रचना रची और ऐसा एक इतिहास बनाने का काम किया है कि हमारा एक, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, तो सब लोग ऐसे गौशालाओं का में जाकर उनको देखना, उनको सम्मान करना, एक उनके प्रति मन में एक भावना प्रकट करने की गौ के साथ, जो हम एक उदाहरण भी देते हैं कि गौ हमारी माता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनका सम्मान भी करना है, उनकी सुरक्षा भी करनी है, उनको खाना भी खिलाना है, उनके सब चीज़ का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं इस कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच करके एक हर आदमी, हर व्यक्ति के मन में एक जागरूकता लाए हैं कि भाई गौ माता क्या उसको सुरक्षित रखना है, उनका सम्मान करना है, उसके साथ रखना है। जिस तरह से घर रोड पे घूम रही है योगी जी ने विराट कर उनका ध्यान रखा जाए, तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है, सब लोग जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आज यही कारण आप देखिए हजारों गायें इस गौशाला में है, बैल भी इस गौशाला में है, बछड़े भी इस गौशाला में हैं। तो ये जो भी बड़े जो ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी तो अलग चीज़ होगी, सामाजिक लोग भी, उनमें भी उनको प्रेरणा मिली है, वो भी एक अपने ऐसे ऐसे गौशाला बना के उनको सबको यहाँ पर रख रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं, उनको टीकाकरण कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था ये